हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप टेक टुडे में। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सेटअप टूर करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस तरह से मैं अपने वीडियो को यहाँ पे शूट करता हूँ, कौन सा मोबाइल यूज़ करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ और लाइटिंग के लिए मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम कैमरे की बात करें तो यहाँ पर मैं शूट करता हूँ मोबाइल से सैमसंग J6 जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। अगर हम माइक की बात करें तो ये सिंपल सा मैंने होममेड माइक बनाया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस माइक तो दोस्तों माइक को देख सकते हैं मैंने किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सिंपली ईयरफोन का जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है ना, जहाँ से हम बोलते हैं वो वाला है। ये जो ईयरफोन की लेड मैंने रखी है, ठीक है ना, ये पूरा वायर है यहाँ से लेकर के मैंने एक देखो यहाँ पर जॉइंट लगा रखा है, ठीक है ना। ये यहाँ तो मुझे वापस दूसरी बार है, यहाँ से जो प्लग इन है अभी मोबाइल में हो गई, तीसरी बार मैं निकालूंगा नहीं उसको, ठीक है ना। तो ये मैं दोस्तों यूज़ करता हूँ आवाज़ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। अभी इवन इससे ही अब जो आप क्वालिटी सुन रहे हैं वो इसी से आ रही है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझको यहाँ पर वॉइस की मिल जाती है। और अगर मैं स्टैंड की बात करूँ तो आपको मैं निकाल के मोबाइल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों रूम के बाहर की साइड है। अब चलते रूम के अंदर और मैं आपको पूरा सीन वाका दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पड़ा है हमारा ट्राइपॉड जो कि मैंने होममेड ट्राइपॉड। इस दरवाजे को भी कर लेते हैं बंद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ लगा रखे लेबल्स। तो यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ये मेरा बैकग्राउंड रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर पड़ा है ये ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड नहीं है एक्चुअली दोस्तों, मैंने इसको ट्राइपॉड जैसा बनाया है। ये है सिंपल यहाँ पर सेल्फी स्टैंड, देख सकते हो आप, इसके मैंने अंदर डाला हुआ है पाइप के अंदर, ठीक है ना। इस पाइप को मैंने नीचे एक बाल्टी लेकर के छोटी सी उसमें मिट्टी भर के यहाँ पर स्टैंड कर दिया, ठीक है ना। ये थोड़ा मजबूत सा लग रहा है मुझे और मेरा काम है वो चल जाता है। मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सेल्फी स्टिक को ऊपर नीचे कर सकता हूँ और इससे मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे माउंटिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर दो सपोर्टिंग लाइट मुझे मिल जाते हैं, एक तरफ एक ट्यूबलाइट और दूसरी तरफ मैंने डाल रखा है यहाँ पर LED बल्ब, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने कुछ दिन पहले ही एक बनाया था, ठीक है, सिल्वर फॉइल लगा के, अभी डैमेज हो गया, ठीक है, लाइटिंग के लिए इसने मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ख़राब सा हो गया है और इससे मुझे सपोर्ट मिल जाता तो मैं अब इसका प्रयोग नहीं करता हूँ। सामने से दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर खड़े रह के शूट करता हूँ, ठीक है ना, तो सामने से जो खिड़की है यहाँ से मुझे जो सनलाइट है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको अगर पूरा सेटअप दिखाऊँ तो ऐसा कुछ है, यहाँ पर पड़े कुछ बिस्तर, यहाँ पर मेरी कुछ बुक्स मैंने रख रखी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ का पूरा सेटअप है। ये मैंने एक मोटिवेशनल कोट यहाँ पर छिपा रखा है, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों मेरा छोटा सा सेटअप टूर, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को शूट करता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे बैठ के एडिट करता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस तरह से अपनी वीडियो को यहाँ पे शूट करता हूँ, ठीक है ना। क्या मेरा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर का, किसी को लगता है कि ये पोस्टर लगा रखा है लेकिन नॉर्मल सी ये दीवार है, ठीक है ना, इस पर ये चूना कर रखा है। और मोबाइल कौन सा है, माइक कौन सा है, कौन सा ट्राइपॉड है, सारा कुछ मैंने आपको लाइटिंग वगैरह के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।